भक्ति के नाम पर संसार को ठगा जा सकता है, परिवार को ठगा जा सकता है, समाज को ठगा जा सकता है, पड़ोसी को ठगा जा सकता है, पर तुम्हारे अंतर मन में ही व्याप्त रहने वाले, तुम्हारे लिए अंतर्यामी कण कण में विराजित भगवान को कैसे ठगोगे? प्रश्न तो यह है, भगवान को कैसे ठगोगे? भावग्राही जनार्दन, इसलिए भक्ति कभी प्रकाश का विषय नहीं है। भक्ति में कभी दर्शन, भक्ति दर्शन प्रदर्शन का विषय नहीं है। भक्ति आंतरिक चीज है, गोपियों की तरह इतना प्रेम करें कि श्री कृष्ण ही समझें और मैं समझूं। बाहर से तो बल्कि न समझें तो ज्यादा अच्छा है। लोग जैसे सास और बहू की लड़ाई के लिए मैंने आपको एक बार सिखाया था कि अगर आपकी सास आपको बहुत गालियां देती हैं, बुरी बुरी बातें कहती, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरा बाप नंगा है, तेरा बाप नंगा है, और तुम रोती रहती हो, तो बस किसी की बातों का बुरा मत मानो। किसी के कहने से कुछ होता नहीं, जो कह रही हैं उनकी हैसियत क्या है, आई डोंट केयर। जिनको इतना ही ज्ञान नहीं कि जो बच्ची अपने गोत्र का परित्याग करके आई है, गोत्र छोड़ दिया, उस बच्ची के गर्भ से जो संतान होगा वो उसके पिता का वंश नहीं चलाएगा, वो जहां आई है उसके पिता का वंश चलेगा। जिसने गोत्र छोड़े, जिसने नाम छोड़े, जिसने 20 से 25 साल तक जिस घर को अपना माना, केवल अग्नि के सामने सात फेरे लेते ही, एक यज्ञ करते ही ये पिता का घर पराया घर हो जाता है और उस घर को अपना घर मान लेती है। अगर उस घर में जाने के बाद भी उसे चंद रुपए के कारण, कार और टीवी के कारण भिखारियों की तरह कोई रोज बोलता है, तो ऐसे लोगों की बातों का वैल्यू ही कितना। आई डोंट केयर कह दिया करो, मुंह पे मत बोलना, ऐसे चुपचाप देखते रहना, मुस्कुराते रहना। बोला लोभियों की जमात खड़ी है, खूब गाली दे, खूब ऐसे रोना भीतर भीतर, मत बोलिए मेरे पिता के लिए। और जैसे ही भीतर जाओ और दरवाजा बंद करके और बोलना आई डोंट केयर, वह बहरे मौज फकीर आदि बुढ़िया के बोलने से, इस बुढ़ी के बोलने से क्या होना जाना है, बोलने दो इसको, छोड़ो, क्योंकि उसी लायक है वो, यथा योग्य सम्मान मिलेगा उनको। भीतर जाकर नाचो, सामने मत नाचना, मैंने मना किया है, नहीं तो नया तरीका ढूंढ लेगी बुरी का। अच्छा इसका तो इसको बुरा ही नहीं लगता, तो नया कुछ ढूंढो। उसको जीवन भर यही सोचने दो कि मैं बहुत दुखी होती हूं। जैसे बोले तेरा बाप, बस मेरे बाप को बोलिए, मेरे को और कुछ बोलिए, बाप को मत बोलिए, वो और बोलेगी रस ले लेके तेरा बाप, क्योंकि उसको रस चाहिए ना। आपको जितना दुख होता है उसका रस लेने के लिए वो बोलते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको पता है आपके हृदय को पीड़ा देना चाहते हैं। आप दिखा दो कि मैं पीड़ा में हूं, पर भीतर जा करके दरवाजा बंद करके वाह वाह रे बुढ़िया, मौज करो, मौज करो ना, आनंदित रहो, यही परम ज्ञान है। तुम मरे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, शुगर बढ़ाए जा रहे हो, रोज अपना आंख ऐसे ऐसे कर रहे हो, बेचारा पति भी परेशान है, माँ की तरफ जाऊं कि इसकी तरफ जाऊं, उसको भी फ्री कर दो थोड़ा, चिंता मत करो मेरी तरफ से, मैं ठीक हूं। वो जितना बोलती है बोलने दो, मेरे पति तो तुम्हारा प्रणाम कर लेगा तुमको कि वाह ऐसी पत्नी, हमको तो लोगों ने बताया था कि आधी जिंदगी निकल जाएगी बैलेंस करने में, ये तो ऑलरेडी बैलेंस आई है, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और तुम्हारा काम भी है, अगर अर्धांगिनी बन के आई हो तो अपने पति परमेश्वर कितने प्रसन्न रहे तुम्हारे एक्टिविटीज से। अरे छोटी मोटी बातें, साधारण बातें, साधारण अपमान, इसको तो तुम ऐसी झेल जाओगी। अरे इस दुनिया में मानवता को जिसने अपने गर्भ से जन्म दिया हो वो माँ कुछ भी झेल जाएगी, कोई भी अपमान पचा जाएगी, वो भी महादेव ही है, मैया महादेव। ये जितना अपमान माँ बचाती है उतना कोई नहीं बचा सकता दुनिया में, एक माँ है। तुम अपना अपना बचपन याद करो, पिता का भी डांट सुनती है और तुम्हारे भी पूर्ति करती रहती है, मम्मी हमको इतना चाहिए, अरे वो अब पिताजी आवारा बन गया है, अगर इसको एक रुपया दी तो ठीक नहीं होगा, उधर से भी डांट सुनती है, इधर तुमको भी देती है, इसी को माँ कहते। माँ शब्द यही है, माँ से बड़ा कोई शब्द है नहीं। इसलिए तो जब सारे देवता भी हार जाते हैं कहीं पर, ऐसे ऐसे रक्त बीज और ऐसे ऐसे महिषासुर लोग आते हैं, तो उनके लिए भी माँ को ही आना पड़ता है, बोला इसका काम चलेगा नहीं। ऐसे दया की करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, पर एक्सट्रीम पर अगर वो चली जाएं तो दानवों का विनाश करने के लिए भी माँ शक्ति की जरूरत है।